जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3-टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन कोच, मैराथन रनर, आयरनमैन कोच और 3-टाइम आयरनमैन फिनिशर, शौर्य चक्र अवार्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मैराथन के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ, क्योंकि पूरी जानकारी दोस्तों 5 से 6 मिनट में मैं दे नहीं सकता, इसलिए मैं छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दे रहा हूँ। ये है दोस्तों बर्लिन मैराथन, यानी कि BMW, यानी कि इसको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो है दोस्तों BMW बर्लिन मैराथन 2022, जो कि होने जा रही है 25 सितंबर को, यानी कि आज से कुछ दिन बाद, समझे, यानी कि ये संडे है, उससे अगले संडे होने जा रही है आपकी बर्लिन मैराथन। दोस्तों, इस मैराथन का कुछ खास चीज़ें बता देता हूँ। इसमें दोस्तों कोई भी हाफ मैराथन नहीं होती है, हाफ मैराथन HM हम बोले नहीं होती है, 21 किलोमीटर जो है नहीं होती है, ये सीधी की सीधी 42.195 यानी कि 26.2 माइल्स रन ये आपकी होती है, यानी कि फुल मैराथन जिसको बोलते हैं, यानी कि मैराथन का नाम ही अगर हम बात करें तो 42.195 किलोमीटर कहा जाता है। चलिए दोस्तों, इससे आगे हम जाते हैं, इसके कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता दूं। एक नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों इस मैराथन के साथ में, अभी के जो करंट सिचुएशंस हैं, करंट जो चल रही हैं चीज़ें, उसमें एक नाम जुड़ा हुआ है, वो है दोस्तों एलियुड किपचोगे। ये मैराथन की दुनिया का, आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा नाम है एलियुड किपचोगे। मैं फ़ोटो आपको इसमें दिखा दूंगा, फ़ोटो डाल दूंगा। ये है दोस्तों कीनिया का बंदा। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये बंदा पहले 5 और 10 किलोमीटर रन करता था, ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं इसने। उसके बाद इसने अपने आप को शिफ्ट कर लिया लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में, यानी कि 5 और 10 को इसने फिर टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया। जैसे कि हमारे यहाँ पे टाटा बाय बाय गुड बाय कहने के बाद में लोग गवर्नमेंट के पास जाते हैं, हमें नौकरी दे दो। इस बंदे ने क्या किया, 5 और 10 किलोमीटर के बाद में कहा कि नहीं, मेरे में जोश और जुनून जो हम बात करते हैं जिंदा है, यानी कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैंने ओलंपिक मेडल जीत लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सरकार का दामाद बन गया हूँ, जैसे यहाँ पे बन जाते हैं ना दामाद, वो इस तरह से नहीं था। इसने क्या किया, इसने कहा कि मैं लॉन्ग डिस्टेंस में शिफ्ट हो जाऊँगा। ये बंदा लॉन्ग डिस्टेंस में शिफ्ट हो गया और 2000 ये काफ़ी रन्स जीता भी है और भी इंडिया में भी आया है, जो एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होती है इसमें भी आया था और यहाँ पे भी इसने फर्स्ट प्राइज विन किया था एलीट क्लास में और यहाँ से हाफ मैराथन ये जीत के गए जा चुका है इंडिया से। सो दोस्तों 2015 में ये बर्लिन मैराथन में दौड़ा था और इसने ये मैराथन जीती थी। वो डिस्टेंस इसने 42.195 किलोमीटर जो डिस्टेंस थी इस बंदे ने कवर की थी 2015 में 2 घंटे और 4 मिनट के अंदर। 2016 में दूसरा बंदा था, वो बंदा जीता था, ये नहीं जीता था। सो 2017 में फिर ये अटेम्प्ट मारा इसमें, 2017 में इस बंदे ने 2 घंटे 3 मिनट और 32 सेकेंड, यानी कि पिछले टाइमिंग से इसने अपना टाइमिंग घटाकर 28 सेकंड घटाकर और ये बर्लिन मैराथन 2017 में भी जीती थी। अब बात आते हैं दोस्तों 2018 की। 2018 में फिर एलियुड किपचोगे ने अटेम्प्ट लिया और बर्लिन मैराथन फिर दौड़ा और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों इसने कंप्लीट की 2 घंटे 1 मिनट और 39 सेकंड में, जो कि अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैराथन का, यानी कि ये मैराथन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये टूटा नहीं है। तो एक और बंदा है बिकला करके, जो केंसिनिया बिकला, जो कि 2016 में यहाँ पे जीता था, उसका भी टाइम 2 घंटे 3 मिनट और 30 सेकंड यहाँ पे था, ये भी बहुत अच्छा रनर है। 2020 के अंदर जो मैराथन थी वो कैंसिल हो गई थी, 2018 में एलियुड किपचोगे जीता था, 2019 में
बिकला ने कितना टाइम किया था, 2 घंटे 1 मिनट और 41 सेकंड, यानी कि इलियड किपचोगे का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते बंदा 2 सेकंड से मिस हो गया। अगर वो भी इसकी बराबरी कर सकता था, वो भी बहुत टॉप का रनर है, बहुत टॉप का मैराथनर है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी बर्लिन मैराथन की, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के बारे में मैं आपको फोटोज़ डाल दूंगा। अब इसकी प्राइज मनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी जो प्राइज मनी है दोस्तों, वो है दोस्तों $1.5 लाख फर्स्ट प्राइज जो है। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट आते हो और इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तोड़ते हो, तो दोस्तों आपको $50,000 अलग से आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि अगर हम बात करें तो $1.5 लाख अगर हम इंडियन करेंसी में काउंट करें तो करीब करीब दोस्तों बैठते हैं 1 करोड़ समथिंग, यानी कि 1.25 करोड़ के आसपास में ये जुगाड़ बैठ जाता है। और अगर हम सेकंड प्राइज की बात करें, सेकंड प्राइज भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है, जो कि है $75,000, यानी कि ये भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है। 60-70 लाख रुपए ऐसे को दे रहा है, 2 घंटे में मेहनत कर रहे हो यार, हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो टेंथ फिनिशर है, जो फर्स्ट से लेके टेंथ तक यहाँ पे प्राइज मनी मिलता है। तो ये है दोस्तों आपकी बर्लिन मैराथन, जो कि होने जा रही है 2022 में 25 सितंबर को। अब सभी मौका आप खो चुके हो, लेकिन मैं बात करूंगा इंडियंस की, जो आज तक कहीं पर भी फर्स्ट नहीं आए हैं। इंडिया में इतनी सारी रन होती हैं, मुंबई मैराथन होती है, दिल्ली में हाफ मैराथन होती है ये वाली, तो आज तक दोस्तों कोई भी इंडियन आज तक कहीं पर फर्स्ट नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने में, रोने में, गाली देने में और प्रोटेस्ट करने में और गाड़ियां जलाने में हम लोग हमेशा फर्स्ट आते हैं, हम कभी स्पोर्ट्स में कभी फर्स्ट नहीं आए हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने नौजवानों से, अपने युवाओं से, कि भैया एक तरफ फोकस कर लीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग के ऊपर भी फोकस कर लोगे ना, तो भी आपकी, मैं कह रहा हूँ, रोजी रोटी चल जाएगी। आप भी वर्ल्ड लेवल पर देश को खड़ा करके अपना नाम रोशन करोगे। तिरंगा जब फहरता है विदेशों की ज़मीन पर, तो दोस्तों इस तरह से फैलता है जिस तरह से ये है। मैं एक छोटा सा नाम आपको बताया, इलियड किपचोगे, आप गूगल ज़रूर करें, मैराथन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल मार्कोस प्रवीण तेवतिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स कि दोस्तों कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जानकारी 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 सिर्फ आपके लिए है। जय हिंद, जय भारत।